जय हिंद दोस्तों, मैं यीशु जैन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 27 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो करंट अफेयर में अक्सर पूछा जा सकता है। देश का पहला हैवी होल रिसर्च इंस्टीट्यूट बन रहा है भारत में, HHRI, हैवी होल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप देख सकते हैं हैवी होल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है HHRI। ये देश में सबसे पहली बार लगाया जा रहा है। ये क्या होगा, इसमें रिसर्च होगा, किस चीज का रिसर्च होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो मालवाहक ट्रेन है और ट्रैक है उनके बारे में रिसर्च होगा, यानी कि जो ट्रेन के ट्रैक हैं और जो मालवाहक ट्रेन है उन सभी का इसमें रिसर्च होगा। रिसर्च क्या होगा वो देखने की सोचने की बात है। रिसर्च वो चीज़ें होंगी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनकी टेक्नोलॉजी, उनमें यूज़ की जाने वाली चीज़ें, कितना आसानी से उनको फैलाया जा सकता है, कितना आसानी से उनको ठीक किया जा सकता है, मतलब XYZ जो उनसे रिलेटेड सारी क्वेरीज हैं वो इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च होंगी और वो हमारे देश के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो ये हमारा देश का पहला हैवी होल रिसर्च इंस्टीट्यूट HHRI चल रहा है। ये कहां पर चलेगा, नोएडा सेक्टर 145 में चलेगा, जो यूपी यानी उत्तर प्रदेश में होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर, ये हमारा उसका एक पिक्चर है जो ये तैयार किया जा रहा है रिसर्च सेंटर, उसका ये अपना एक पिक्चर है। तो ये नोएडा सेक्टर 145 में यूपी में है। इसके साथ ही इसमें कुछ और जरूरी बातें आपके खाते में ऐड हो जाती हैं, यानी इसमें आ जाती हैं। ये कौन सी कंपनी तैयार कर रही है, इसको तैयार करने के लिए कंपनी का नाम है DFCCIL, यानी DFCCIL ये जो कंपनी है ये इसका निर्माण कर रही है, जिसका नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडिया लिमिटेड, इसका निर्माण कर रही है। और टोटल इसको बनाने में कुल राशि जो लग रही है वो 1100 करोड़ रुपए की राशि लग रही है। इस 1100 करोड़ रुपए में क्या क्या होगा, इसमें बहुत अत्याधुनिक मशीनें आएंगी जिससे रिसर्च होगा। तो इसलिए रिसर्च की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वहां पर बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनें आ रही हैं, और ये मशीनें मतलब जो लाई जा रही हैं, जो बनाए मतलब इसमें सेट की जा रही हैं, वो अमेरिका, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रिया, ये दो चीजें अलग अलग है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये ऑस्ट्रिया है, ये चीज आपको समझनी होगी। ये दो अलग अलग सिस्टम यहां पर है। तो अमेरिका, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रिया, इन देशों से अत्याधुनिक मशीनें मंगाई जाएंगी और 1100 करोड़ रुपए की इसकी लागत आएगी। इससे ये तैयार हो रहा है और इसकी कंपनी का नाम है DFCCIL। इसके अलावा ये जो शुरुआत होगी इसकी जून 2021 से ये शुरू हो जाएगा, यानी जून का महीना है, जून से ये शुरू हो जाएगा। और मतलब इसको पूरी तरीके से चलाने में जो टाइम लगेगा, लाइक अभी तो ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम जब जून में 2021 में खत्म हो जाएगा तो जो रिसर्च का काम है वो कब शुरू होगा, वो 2022 से शुरू होगा। तो इस तरह से यहां पर जो है हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जिसमें से दो तीन बातें पूछी जा सकती हैं। वो दो तीन बातें क्या हैं, ये हैवी इंडस्ट्री रिसर्च सेंटर क्या है, पहली बात जो हमने बात की है, कौन सी कंपनी इसको बना रही है, कितने रुपए की लागत इसमें आ रही है, और साथ साथ कौन से देशों से कौन मशीनें मंगाई जा रही हैं, और ये कब तक शुरू हो जाएगा, ये कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में जो इससे रिलेटेड हैं वो आने चाहिए, और वो ही मैंने आपको यहां पर बताए हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप साथ के साथ इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर चल सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, दूसरी बात, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में जो दिया गया है वो डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे जी को दिया गया है। DRDO के वैज्ञानिक हैं ये, DRDO के वैज्ञानिक को डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अब इस अवार्ड में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो देखने की बात है, ये क्यों दिया गया, ये क्या अवार्ड है। ये हमारे राजनाथ सिंह जी ने ये अवार्ड से इनको सम्मानित किया। तो इस अवार्ड में क्या है वो समझने की बात है। ये जो DRDO की जो ब्रांच है वो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, ये जो ब्रांच DRDO की है ये है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। इन्होंने क्या किया है,
इन्होंने रक्षा जैव अनुसंधान संस्थान जो वहां पर जो DIBER है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, उस संस्थान में रहकर लगभग पिछले 25 सालों से जो वहां के हिमालय पर्वत है वहां पर 25 सालों से एक बहुत बड़ा रिसर्च किया, और वो रिसर्च जड़ी बूटियों पर किया, और इन जड़ी बूटियों पर रिसर्च करके उन्होंने एक ऐसी दवाई बनाई जो हमारी स्किन्स पे वाइट हो जाता है ना, सफेद सफेद हमारे हमारी शरीर पर हो जाता है, तो सफेद दाग की दवाई इन्होंने बनाई। तो इन जड़ी बूटियों पर रिसर्च करके उन्होंने एक दवाई बनाई जो सफेद दाग की दवाई है, और उसका नाम निकाला है लियोस्किन आयुर्वेदिक, इस दवाई का नाम है। और ये जो औषधि इन्होंने ढूंढी है, जिस पौधे से इन्होंने ये औषधि बनाई है, यानी ये दवाई बनाई है, मेडिसिन बनाई है, वो औषधि 10,000 फुट की ऊंचाई पर पाई जाती है। 10,000 फुट, आप सोच सकते हो 10,000 फुट कितना होता है, और ये पर्वत हिमालय पर्वत की बात है, और जिस उस पौधे का नाम क्या है, विश्वनाथ पौधा, विश्वनाथ पौधे से ये दवाई बनाई गई है। इससे पहले भी अगर मैं बात करूं तो इससे पहले भी इन्होंने डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे जी ने ये जो दवाई है वो उससे पहले कई सारी और अन्य दवाइयों पर काम किया है। जैसे मैं अगर बात करूं, 6 दवाइयां इन्होंने ऑलरेडी बनाई है पहले भी जो हर्बल से रिलेटेड है, और वो क्या है, जैसे खुजली की है, दांत की है, दर्द की है, रेडिएशंस की है उससे बचने के लिए, मतलब ऐसी बहुत सारी दवाइयां इन्होंने पहले भी बनाई हैं, और बहुत सारा रिसर्च का काम इनका बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन पिछले 25 वर्षों से जो इन्होंने एक रिसर्च जारी रखी थी सफेद दाग के लिए, वो इन्होंने अभी पूरी की है। विश्वनाथ पौधे से इन्होंने जो दवाई बनाई है, ये इसका काम अब शुरू हो गया है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये जो भी रिसर्च हुई है, इनसे जो भी फॉर्मूले निकले हैं, इनको प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया है, जिससे कि मार्केट में ये दवाइयां जल्दी से जल्दी और देश के कोने कोने तक पहुंच जाएं। तो प्राइवेट कंपनियां इन दवाइयों को लेकर हमारे बीच में आ रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके साथ ही आगे देखते हैं चीजों को। हम देखते हैं यहां पर हमारे देश में विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज आप पिक्चर में देख सकते हो, विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज, और ये ब्रिज कहां बनाया जा रहा है, ये ब्रिज बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। ये कटरा बनिहाल रेल संपर्क है, उसके माध्यम से चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज, ऊंचा और लंबा दो अलग अलग बातें हैं, यहां मैं बात कर रहा हूं सिर्फ ऊंचा। तो विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू कश्मीर के में कटरा बनिहाल रेल संपर्क में चिनाब नदी पर यह बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं उसकी पिक्चर, मैं अभी आपको दिखाता हूं, आप देख सकते हैं ये नीचे नदी है, उसके ऊपर ये पुल तैयार किया गया है। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, इस ब्रिज में जो गार्डर्स लगाए गए हैं, यानी जिस पर ये पुल टिका हुआ है, जो गार्डर्स लगाए गए हैं, वो गार्डर्स हैं 35,000 किलोग्राम। एक गार्डर की जो वेट है एक गार्डर का, वो 35,000 किलोग्राम का है, और इस जो गार्डर को बनाया है वो भी एक भारतीय कंपनी ने बनाया है, जो भिलाई में तैयार किया जा रहा है, भिलाई जमशेदपुर इन सब जगहों पर ये तैयार किया जा रहा है। तो आप गार्डर भी देख सकते हैं किस टाइप के गार्डर्स होते हैं। 350 कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं। कंपनी का नाम एट मॉस्को नंदिनी है, जो ये कंपनी काम कर रही है, इस पुल को बनाने का काम कर रही है, एट मॉस्को नंदिनी ये कंपनी इसमें 350 कर्मचारियों के साथ इस काम को कर रही है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही इसमें कुछ और अच्छी बातें क्या हैं देखने की। सबसे पहले रेलवे के अनुसार जो ब्रिज की ऊंचाई है वो 359 मीटर है, यानी 1177 फिट। 1177 फीट का मतलब ये हुआ कि आईफिल टावर से भी ऊंचा है ये पुल। कैसे? आईफिल टावर की जो बात कर रहे हो, 324 मीटर, यानी 1063 फीट का ये आईफिल टावर है, 1063, और हमारा कितना है ये 1177, ये 1177। लेकिन अगर मैं पुल की बात करूं तो पहले जो सबसे ऊंचा पुल था वो चीन का था, बेपिजियांग पुल, जो नदी पर बना हुआ था, बेपिजियांग नदी पर ये 275 मीटर का ऊंचा ब्रिज बना हुआ था, लेकिन ये सबसे ऊंचा पुल था। लेकिन अब भारत का ये जो ऊंचा पुल है वो तैयार हो रहा है, ये सबसे ऊंचा माना जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भारत के साथ चल सकता है।
इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इस पुल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। जब हम देखते हैं ये पुल जो तैयार किया जा रहा है वो कोंकण रेलवे द्वारा तैयार किया जा रहा है। कंपनियों का नाम आपने देख लिया, कैसे तैयार हो रहा है वो भी आपने देख लिया, लेकिन कौन तैयार करा रहा है? कोंकण रेलवे इसको तैयार करा रहा है। और इस पुल की जो लंबाई है वो 1315 मीटर है, 1315। और इस पुल का जो काम है अप्रैल 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा टारगेट रखा गया है। साथ में ही इस पुल में एक ऐसा लेप लगाया जा रहा है कि उसमें 40 साल तक कोई जंग नहीं लगेगा। और ये लेप यानी पेंट कहां से मंगाया जा रहा है? जापान से मंगाया जा रहा है, एक स्पेशल पेंट जिसकी कीमत 3000 रुपए पर लीटर है। इस पेंट की कीमत, इस पेंट को इस पुल पर इनके गार्डर्स पर लगाया जा रहा है जिससे इनमें जंग ना लगे। तो 40 साल तक की गारंटी है कि इस पुल में कोई जंग नहीं लगेगा। और सबसे खास बात क्या है कि इसमें एक स्पेशल इंजीनियरिंग लगाई गई है। हमेशा जो पुल बनाए जाते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर बनाए जाते हैं, लेकिन इस पुल को ऊपर से नीचे की ओर बनाया जा रहा है। तो ये पुल आप देख सकते हो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुल है और बहुत ही स्पेशल पुल है और भारत का सबसे शानदार पुल है। पहली बार भारत में ऐसा पुल बनाया जा रहा है और विश्व का सबसे ऊंचा पुल, इसका दर्जा इसको मिलेगा, ये आप देख सकते हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसा आप आजकल न्यूज में सुनते हो, आजकल देख रहे हो, देश का सबसे ऊंचा आइस हॉकी रिंक तैयार हो गया है और वहां पर प्रैक्टिस भी जारी है और वहां पे अब मैच होने वाला है हॉकी का। आइस हॉकी रिंक में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट वो आपको देखने की बात है। सबसे पहले आप देखोगे देश का सबसे ऊंचा आइस हॉकी रिंक 3720 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ का तापमान -20 डिग्री तापमान है, ना -20 डिग्री का तापमान जहां पर हमारे खिलाड़ी हॉकी खेलेंगे। तो आप देख सकते हो कि -20 डिग्री कितना ज्यादा हो जाता है। अभी हम 3-4 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर हो जाता है तो हमारी कुल्फी जमने लगती है, लेकिन यहां -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हमारे खिलाड़ी यहां पर क्या करेंगे? इस गेम को खेलेंगे, हॉकी गेम को खेलेंगे। और ये कहां पर हो रहा है? हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में काजा में ये गेम संपन्न यानी हो रहा है, यहां पर खिलाया जा रहा है। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे यहां पर बर्फ पड़ी हुई है और पूरा एक अपनी वेशभूषा में जो लोग हैं अपना हॉकी का गेम खेलने के लिए तैयार हैं। इसका ट्रेनिंग कैंप चल रहा है यहां पर और 165 खिलाड़ी हैं यहां पर जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप जारी है। अब इसमें बताया वहां पे एक्सपर्ट्स ने बताया, जो वहां के ट्रेनर्स हैं और जो वहां पे कोच वगैरह जो लोग हैं उन्होंने बताया 27 जनवरी 2021 को अंडर 20 का टूर्नामेंट भी होगा। अंडर 20 का मतलब 20 साल से कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं उनका एक टूर्नामेंट होगा जिनकी अभी ट्रेनिंग भी चल रही है। 165 प्लेयर्स वहां पर ऑलरेडी ट्रेनिंग में भी हैं। तो ये हिमाचल में तैयार है और पहली बार, ये बात और इंपॉर्टेंट यहां पर आ जाती है, हिमाचल में पहली बार टूर्नामेंट हो रहा है हॉकी का, जो ये टूर्नामेंट हो रहा है हिमाचल में पहली बार हो रहा है। तो जिस जगह पर ये टूर्नामेंट हो रहा है वो जगह जो हॉकी के लिए इस्तेमाल की जा रही है, पहले वो क्या थी? पहले वो एक टेनिस कोर्ट था ऐसा कहा जाता है, लेकिन बाद में इसको आइस हॉकी, क्योंकि बर्फ है वहां पर इसलिए आइस, और फिर उसको हॉकी रिंक में बदल दिया गया यानी एक ग्राउंड में बदल दिया गया जिसको मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। और इसका जो पूरा जो पूरी लंबाई चौड़ाई है वो 31x6 मीटर की है, 31x6 मीटर का ये रिंक है। तो आप देख सकते हैं काफी बड़ा एरिया यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा एरिया यहाँ पर चल रहा है। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट और अच्छी न्यूज है। राजस्थान में एक इलाके में यूरेनियम का भंडार मिला है। यूरेनियम, यूरेनियम वो तत्व है जिससे हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर आप देखोगे राजस्थान में कहाँ पर मिला ये? सीकर में खंडेला के रॉयल सुहागपुरा इलाके में ये मिला है। सीकर खंडेला रॉयल सुहागपुर यानी कि राजस्थान में ये सीकर है, सीकर में खंडेला है, खंडेला में रॉयल सुहागपुरा है। तो आप डायरेक्ट इनका भी नाम याद रख सकते हो या फिर इनमें से भी कोई एक नाम आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको इतना डिटेल में लिखा है। 10,000 टन यूरेनियम का भंडार है इसमें, 10,000 टन का प्रमाण मिला है कि वहां 10,000 टन यूरेनियम
है। तो इतना बड़ा भंडार हमें मिला है और 40 साल तक हम इससे बिजली ले सकते हैं, 40 साल तक यानी 40 इयर्स तक यहां से इलेक्ट्रिसिटी ली जा सकती है, बनाई जा सकती है। तो ये कहां पर है, ये 80 फुट नीचे है, 80 फुट यानी कि हम जहां पर खड़े हैं उसके भी नीचे 80 फुट आप लेकर चलो, उस 80 फुट में है और वहां पर 1 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है जिससे ये यूरेनियम का खजाना जो हमारा है इसको हम निकालेंगे। और ये जो निकालने का टोटल खर्च है वो 6,000 करोड़ रुपए खर्च, और 1 से 2 साल में निकालने का काम शुरू हो जाएगा क्योंकि एकदम से निकाल नहीं सकते, निकालने में टाइम लगेगा, उसका भी एक प्रोसीजर होगा, अभी तैयारियां शुरू हो रही है। तो 1 से 2 साल में इसका निकालने का काम शुरू हो जाएगा और ये 6,000 करोड़ रुपए के खर्च से ये यूरेनियम यहां पर निकलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा फैक्ट है हमारे पास, ये यूरेनियम के कुछ पार्ट मतलब एक हिस्सा जो जहां पर हम ये देख रहे हैं वो है। तो इसी के साथ जो मैंने आपको बताया मेन पॉइंट की राजस्थान की ये कहानी और इतने सारे आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताए, तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आए होंगे और अब हम नेक्स्ट और अदर अपनी वीडियोस के साथ मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।